हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बॉल आटा लिया है, एक बॉल मैदा लिया है, और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है जैसे कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटो, जिसको मैंने स्लाइस कर दिया है। अब मैं एक बर्तन में जितना आटा था उतना ही मैदा लूँगी। आटा और मैदा जो है वो इक्वल अमाउंट में लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। इसमें हम मोयन के लिए तेल डालेंगे, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वादानुसार। अब इसमें हम एक चम्मच चीनी डालेंगे, ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, बस टेस्ट के लिए 1 से 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। और ये है बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके नॉर्मल जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें अच्छी तरह से आटा को गूंथ लेना है। ये देखिए आटा है, जो आटा है उसे ना ही ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा कड़ा रखना है, मीडियम में टाइप में रखना है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट ढक करके, कपड़े से ढक करके छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बॉल में टमेटो केचप निकाल लिया है और उसमें मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ा सा यूज़ किया है टेस्ट के लिए। ये देखिए हमारा 5 से 10 मिनट हो चुका है और हमारा जो आटा है वो बिल्कुल रेडी है। हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे, जितना आप नॉर्मल रोटी के लिए बनाती है बस उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है लोई। ये देखिए इस टाइप के बड़ी लोई बना लेंगे। अब हम इसे नॉर्मल रोटी की तरह बेल देंगे, बस इसे थोड़ा सा मोटा रखना है, जो नॉर्मल रोटी होती है उससे बस थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल अच्छी तरह से बेला चुकी है। मैं दिखाती हूँ इसका किस टाइप में इसे रखना। देखिए इस टाइप में इतना ही बस मोटा रखना है, ज़्यादा भी मोटा नहीं करना और ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना। और मैंने यहाँ पे एक कस्तरी लिया है, बर्तन लिया है जिसमें मैं पिज़्ज़ा रखने वाली हूँ और इसमें बनाने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये जो रोटी हमने बनाई थी वो रख देंगे और कांटे वाली जो चम्मच होती है उससे मदद से हम सभी में पोक कर लेंगे कि वो बाद में फूल ना जाए, जब वो बेक होगा तो वो फूल ना जाए, इसलिए उसे पोक कर लेंगे। जो भी टमाटो सॉस और चिली मैंने मिलाई थी वो हम अच्छी तरह से रोटी में लगा लेते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा का बेस बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार है। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे, मैंने 1 क्यूब का आधा चीज़ इसमें डाला है, आप चाहे तो जितना भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके टॉपिंग्स को अच्छी तरह से सजा देंगे। आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग्स बढ़ा सकते हैं, जैसे पनीर या फिर कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस ऑनियन, कैप्सिकम और टमाटो का यूज़ किया है। अब हम इसमें ऊपर से ब्लैक सॉल्ट को डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर और क्यूमिन का पाउडर बना के रखा था, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, उसके स्वाद के लिए ही हम इसे यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 मिनट के लिए जो गैस होती है, तावा होती है, उसे गर्म करके रखा मीडियम आंच में। हम अब पिज़्ज़ा को चढ़ा दें, 20 से 25 मिनट तक हम अच्छी तरह से पिज़्ज़ा को पका लेंगे, बेक कर लेंगे। अब देख सकते हैं पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे हटा देते हैं चूल्हे से, आपको मीडियम फ्लेम में ही इसे बेक करना है वरना यह जल जाएगा। ये देखिए चीज़ अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में रख के इसे काटते हैं।
दिखाती हूँ, ये अच्छी तरह से पक चुका है। आपको 20 से 25 मिनट तक इसे बेक करना है। आप एक बार उठा कर देख सकते हैं कि ये पक गया है या नहीं। ये देखिए गाइस, अच्छी तरह से कट हो चुका है ये। इसका मतलब ये पूरी अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो गाइस, ये जो होममेड पिज़्ज़ा है वो टेस्ट उसका बिल्कुल बाज़ार वाले पिज़्ज़ा जैसा ही रहेगा। इसमें सारे वैरायटी, सारे जो मसाले हैं, ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुका है, और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ार वाले पिज़्ज़ा की तरह ही रहेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।